और से बड़ी खबर है, जहां भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईएनएच 24/7 से खास बातचीत की है। आईएनएच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को लेकर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जो चेतना है वो सब में एक ही है, हम सब एक हैं। चेतना जागरण का केंद्र बनेगा, एकात्म धाम। जन आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। जनता हमारा परिवार है, हम सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। देश के लिए, प्रदेश के लिए कल शंकराचार्य का अनावरण होगा। मूर्ति का एक वो कालखंड था जब देश भर में सनातन धर्म पे हमले हो रहे थे, शंकराचार्य ने स्थापना की थी। कल आप स्थापना करने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं सर? एक ही चेतना सब में है, कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। यह भाव भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का है उनकी, इसलिए उनका एक स्टैच्यू ऑफ वननेस जिसको हमने कहा स्टैच्यू लग रहा है, और अद्वैत लोक वहां बनेगा, एक आत्मधाम। सर जनता का बहुत प्रेम मिल रहा है, जिस तरीके से जनता सड़कों पर उमड़ रही है, क्या कहेंगे सर? जनता और हम अलग नहीं है, एक परिवार है। सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, तो परिवार का आशीर्वाद मिल रहा है। और बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा आज इंदौर शहर में पहुंची। इसमें शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि यात्रा पूरे उत्साह और समर्पण के साथ, जनता के समर्थन के साथ चल रही है। जनता हमारा परिवार है, हम सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। उत्साह और समर्थन, जनता के समर्थन के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से जनता आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता तो हमारा परिवार है, तो सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ। आज जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ही मैं इंदौर आया हूँ। उनके हिस्से में आक्रोश है, उन्होंने इतनी योजनाएं बंद करी थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है कांग्रेस के ऊपर। संबल बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, बेटियों की शादी बंद कर दी, कई योजनाएं बंद करी थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आजकल पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। अगर हम जनता के खाते में पैसा डालते हैं तो गुस्सा होते हैं, अफसरों पर बरसते हैं, ट्वीट करते हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है। अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं।